व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डिकी ठाकुर। चलिए बात कर लेते हैं बिग बॉस 14 के कल के एपिसोड की। कल का एपिसोड थोड़ा स्पेशल एपिसोड था क्योंकि इसमें कलर्स के कुछ चेहरे आए हुए थे और साथ ही आई हुई थी बिग बॉस की पुरानी खिलाड़ी मोनालिसा, जिसने घर में बहुत ज्यादा रंग जमाए। और साथ ही साथ बात करेंगे घर से बेघर कौन हुए, एक ऐसे खिलाड़ी जो कि घर में इंटरटेन काफी करते थे, तो इसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा अभिनव शुक्ला क्यों रुवीना को समझा रहे थे इतना और क्यों रुवीना इतना ज्यादा इमोशनल होगी। इसके अलावा घर में हुए छोटे मोटे झगड़े, साथ ही साथ बात करूंगा नॉमिनेशन प्रक्रिया की कि इस बार कौन हुआ घर में नॉमिनेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं घर में आए कलर्स के कुछ चेहरे, जो कि दो सीरियल जो कलर्स पे आ रहे हैं इसकी प्रमोशंस के लिए आए हुए थे। इसके साथ ही घर में नागिन के स्टार कास्ट भी हमने देखे और मोनालिसा को देखा, जो कि घर में अपने हुसन के जलवे बिखेर रही थी, जिसने डांस करके सबका मोह मोह लिया। उसी दौरान हमने देखा कि रुबीना ने भी जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस दिया और साथ ही अली गोनी, एजाज, अर्शी, राखी सभी ने मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और इस एंजॉयमेंट के दौरान ही हल्के फुल्के झगड़े भी हमें दिखे, जो कि राखी और अर्शी के बीच में भी हुए और रुबीना और अर्शी के बीच में भी हुए। लेकिन सबसे ज्यादा हमें हैरान कर देने वाला था घर का विक्षण। घर में से एक सदस्य हैं जो कि बेघर हो चुके हैं, उनका नाम है राहुल महाजन। जी हाँ दोस्तों, राहुल महाजन जो कि बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं घर वालों को और वो घर से बेघर हो जाते हैं। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राहुल महाजन घर से बेघर होंगे। ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे हम जो उम्मीद करते हैं वो नहीं होता है, कुछ अलग ही हो जाता है। तो सबको बहुत ज्यादा दुख हुआ राहुल महाजन के जाने का। लेकिन अर्शी खान इसमें भी फुटेज लेने में परहेज नहीं कर रही थी, वो फुटेज ले रही थी खुल के, ये बताती हुई नजर आ रही थी कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैडम, सबका फर्क पड़ने का तरीका अलग होता है। जो आपको फर्क पड़ रहा है, आप कैमरे के सामने आगे जा जाकर बोल रही हैं, फुटेज बटोरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोगों को उस हिसाब से नहीं आता है करना, वो इमोशंस के ऊपर फुटेज नहीं लेते हैं। तो ये बात साबित हो जाती है जब एजाज और विकास ने उसको कहा कि सबका एक अलग तरीका होता है, तो उसने उनको बोला कि तुम लोग मत बोलो, मैं बोल रही हूँ, मुझे बोलने दो, इजमिन मुझे फुटेज लेने दो, मैं जो बोल रही हूँ आप मत बोलो, मेरी बात को मत काटो, नहीं तो मैं गलत दिखूंगी। इसका ये ही मतलब देखने में भी लगा और ऑडियंस को साफ क्लियर लगा। इसके अलावा अभिनव बहुत ज्यादा रुवीना को समझाते हुए नजर आए, जो इस हफ्ते उनको डांट पड़ी है, जिस वजह से पड़ी है उस वजह को समझाते हुए अभिनव नजर आए। हालांकि रुवीना की आदत हमें पता है कि वो चीजों के ऊपर बहुत जल्द रिएक्ट कर देती है और अभिनव का बिल्कुल भी नहीं सुनती है, और यहाँ पे भी वो नहीं सुन रही थी। और हमने देखा यहाँ पे कि अभिनव शुक्ला ऐसे समझा रहे थे जैसे बिग बॉस में सलमान खान ने भी उनको बोला है कि अब तो अभिनव जाग जाओ, अभी तो तुम्हें समझाना चाहिए। तो वो चीज मुझे अभिनव भी करते हुए दिखाई दिए कि शायद वो भी कहीं ना कहीं बात को सीरियसली ले रहे हैं कि मुझे समझाना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए। तो यहाँ पे अभिनव भी मुझे ऐसे करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद सुबह होती है, सुबह फिर काम को लेकर जो चीजें होती हैं वो ही चल रही थी। इतने में निकी तंबोली जो है राखी सावंत को टारगेट करने लपड़ी उसके सामान को लेकर। हालांकि निकी का खुद का सामान भी सेटल नहीं है, जिस तरीके से घर में पता चलता है कि सबसे ज्यादा लगेज उसके ही है, तो वो अपना सामान सेट नहीं कर रही थी लेकिन राखी को सामान सेट करने के लिए बोल रही थी, जिसके ऊपर पूरे घर में वो हल्ला हो गया। वहां पे सोनाली भी बोल पड़ी और सोनाली का भी जोरदार झगड़ा हुआ इन लोगों से। सोनाली जो कि राखी का साथ दे रही थी, वहीं एजाज भी राखी का साथ दे रहा था, लेकिन निकी, अली और राहुल वैद्य जो एक टीम होके खेलते हैं वो यहाँ पे भी एक टीम होके खेलते हुए नजर आए। लेकिन अर्शी खान यहाँ पे भी फुटेज लेने में बिल्कुल नहीं चुकी, उसको तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा फुटेज चाहिए ही होता है, तो यहाँ से भी वो लंबा फुटेज ले रही थी। हालांकि देखा जाए तो लैगेज रूम को लेकर अभी तक इतना बड़ा बवाल कभी भी किसी भी सीजन में हमने नहीं देखा है, इस सीजन में ही है। लोग जितने हैं उससे ज्यादा उनका सामान होता है, एक बंदे के साथ 12-12 लैगेज होते हैं, तो वो समझ में नहीं आता कि इतने लैगेज का वो करते क्या हैं। तो लेट्स सी, इनके ऊपर छोड़ देते हैं कि इनके लैगेज कैसे सेट होते हैं कैसे नहीं होते हैं, ये हमें डिस्कस नहीं करना है। अब डिस्कस करना है हमें नॉमिनेशन प्रक्रिया को।
नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई, बिग बॉस घर के रूल समझाते हुए नजर आए, क्योंकि घर में कोई भी सदस्य किसी भी रूल को सीरियसली फॉलो नहीं करता है, बात बात पे माइक उतार देता है, इंग्लिश बोलता है। हालांकि इंग्लिश वाला मुद्दा नहीं उठाया, माइक वाला बिग बॉस ने उनको बहुत ही क्लियरिटी से बताया कि माइक इसलिए आपको पहनाया जाता है ताकि आपका व्यक्तित्व जो है ऑडियंस के सामने क्लियरली नजर आए, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी जो छवि है वो क्या है, आपकी बातों से ही पता चलेगी ना। तो वो बातें ही जब ऑडियंस को नहीं सुनाई देंगी तो आपके बारे में कैसे पता चलेगा, जब आपके ऊपर कैमरा ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे पता चलेगा। तो अब भी सदस्यों को समझ में आया है या नहीं आया है, लेकिन ऑडियंस को तो फुटेज वो ही मिलता है जिसमें आवाज़ क्लियर हो, ये तो हम ऑडियंस को अच्छे से पता है। इसके अलावा घर में हिंदी भाषा का प्रयोग ही होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा ऑडियंस हमारी ज़रूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाली ही है। हमारे जो बिग बॉस हैं वो छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव में भी देखा जाता है, यहाँ पे लोग कम इंग्लिश जानते हैं, या फिर हमारी जनरेशन जो है वो पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं, हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत अलग अलग तरीके की ऑडियंस है, तो ज़रूरी नहीं सबको इंग्लिश आती है। हिंदी चैनल है तो हिंदी का ही प्रयोग किया जाए। तो ये छोटे छोटे जो रूल हैं, इसके अलावा एक बड़ा रूल है नॉमिनेशन की प्रक्रिया को डिस्कस नहीं करने का। तो ये भी बिग बॉस ने बताया कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया को डिस्कस किस लिए नहीं किया जाता है घर में, क्योंकि घर में नए रिश्ते बनते हैं, दोस्त बनते हैं, दुश्मन बनते हैं, लेकिन घर में अगर सर्वाइव करना है तो आपको स्ट्रोंग लोगों को पीछे हटा के अपने आप को स्ट्रोंग दिखाना है, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन जिस तरीके से घर वाले एकजुट होकर अपने आप को दिखाने के लिए दूसरों को नॉमिनेट करते हैं, तो ये प्रक्रिया को डिस्कस नहीं करना होता है, अपने दिमाग से चल के अपने दिमाग के बलबूते पे आपको दूसरों को नॉमिनेट करना होता है। तो यही कहीं रूल बहुत ज़्यादा तोड़े गए हैं, और नॉमिनेशन का रूल बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, इसको कभी भी डिस्कस नहीं किया जाता है। तो इस रूल को एजाज खान द्वारा भी पहले तोड़ा गया था, लेकिन उस टाइम बिग बॉस ने ये सख्त कदम नहीं उठाया था। इस बार अली खुनी, जैस्मीन, अभिनव शुक्ला, रुबीना, इन चारों ने मिलके ये रूल तोड़ा, क्योंकि ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया को डिस्कस कर रहे थे कि हर बार हम नॉमिनेशन में नए लोगों को डालेंगे और पुराने को नहीं डालेंगे, जब नए लोग पूरे खत्म हो जाएंगे तो उस दौरान हम देखेंगे पुरानों को डालने के लिए। ये पूरी डिस्कशन इनकी हुई थी जो हमने भी देखी है एपिसोड्स में, और अभी अली चाहे मना करे, रुबीना चाहे सरप्राइज्ड हो, हमने कब किया जाए, अभिनव चाहे सरप्राइज्ड हो, लेकिन इन लोगों ने किया था। और अभिनव ने उस दौरान ये भी बोला था कि मैं राहुल महाजन के टाइम सोचूंगा, कि उस टाइम क्योंकि उससे उसका रिलेशन बहुत अच्छा है, तो उस टाइम मैं सोचूंगा, अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ हूँ। और उस डिस्कशन में कहीं ना कहीं लक बाई चांस राहुल वैद्य बच चुके थे, क्योंकि वहां पे वो मौजूद नहीं थे, वो निकी के साथ अपना सर खपाई कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये पूरी जो रूल तोड़ने वाली घटनाएं हैं अली द्वारा और जैस्मिन द्वारा, रुबीना द्वारा और अभिनव द्वारा हुई, और इसकी सजा भी इन चारों को मिली, और घर में इस बार किसी को भी नॉमिनेट करने का हक नहीं मिला, और बिग बॉस ने इन चारों को नॉमिनेट कर दिया अपने से ही। अब ये चारों बुखलाए हुए हैं, देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि इनके ऊपर पूरा घर गैंगअप हो गया है। तो राहुल कहीं ना कहीं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि मैं इनके साथ नहीं बैठा हुआ था, और अब ये चारों लोग घर में नॉमिनेट हो गए हैं। अभी बिग बॉस जो है बहुत ज्यादा शातिर तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उनके क्रिएटिव्स को भी पता चल गया है कि घर में जो लोग हैं वो कैसे छोटी सी चीज़ का, छोटे से लूप का कैसे वो फायदा उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि बिग बॉस जो है बहुत तगड़ी चाल आगे फेंक देते हैं, क्रिएटिव जो हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आगे फेंक देते हैं, आपको एकजुट होने ही नहीं देंगे। जहां गुट बनता हुआ दिखाई देता है वहीं पे सेंध लग जाती है। तो इस बार इन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ। अगर ये चारों नॉमिनेट हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभिनव के इस बार बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार हम बिग बॉस वीकेंड के बाद में अभिनव को घर से बाहर
होते हुए देख सकते हैं। लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं होता है। आज तक जितनी भी चीजें मैं बोलता हूँ 99% वो सच हो जाती हैं और 1% उसमें से कहीं ना कहीं कुछ बच जाता है। तो मैं चाहूंगा कि इस बार बच जाए, बिकॉज अभिनव को 12 होते हुए मैं भी नहीं देखना चाहूंगा। तो क्या होता है वाकई ही, कल नई गेम कोई खिलाई जाती है या फिर किसी को हक मिलता है, कैप्टन को हक मिलता है किसी को बचाने का, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं भी आपको अपडेट देता रहूंगा पल पल की। मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।